शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जिसमें दो लोग अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे से उम्र भर तक का साथ निभाने का वादा करते हैं। शादी विवाह एक युवती के लिए वह खास मौका होता है। हर लड़की का सपना होता है कि एक दिन वह दुल्हन बनेगी और अपने जीवन साथी के साथ सात फेरे लेगी। लेकिन क्या आपने सुना है आत्मविवाह के बारे में? जी हाँ, ऐसा विवाह जिसमें युवती खुद से शादी कर लेती है। इतना ही नहीं, आम शादियों की तरह मंडप सजाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और पारंपरिक तरीके से शादी होती है। लेकिन यहाँ वर नहीं होता है, केवल वधू ही होती है। ऐसी हैरान कर देने वाली शादी गुजरात के वडोदरा में होने वाली है और यह प्रदेश की पहली ऐसी शादी होगी। वडोदरा की 24 वर्षीय क्षमा बिंदु ने खुद से ही शादी करने का फैसला किया है। इतनी कम उम्र में खुद से शादी करने वाली यह युवती देश की और गुजरात की पहली युवती बनेगी। क्षमा बिहार की रहने वाली है और पिछले 4 साल से वडोदरा में रह रही है। खास बात तो यह है कि आम लड़कियों की तरह वह भी दुल्हन बनना चाहती है, लेकिन शादी करने से भागती थी। नतीजतन उन्होंने खुद से ही शादी करने का फैसला किया। हालांकि भारतीय समाज में ऐसे विवाह को कुछ लोग स्वीकार न करें, लेकिन मैं इस तरह की शादी को बढ़ावा देना चाहती हूँ और यह एक अलग दृष्टिकोण साबित होगा। यह एक ऐसा निर्णय है जो मेरे माता पिता ने भी मुझे उपहार में दिया है। 11 जून को गोत्री मंदिर में क्षमा आत्मविवाह करेंगी। खुद से शादी करते हुए क्षमा वडोदरा शहर के गोत्री में स्थित महादेव मंदिर में खुद से 5 वादे करेंगी। क्षमा ने सोशल मीडिया के जरिए अपने कुछ निजी मित्रों को आमंत्रित किया है और शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही है।